संतप्त मानस शांत हो जिनके मनों के मान में वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे स्थान में। प्रवचन सार परमागम है। आचार्य कुंज देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। इसके दो महाधिकार हो गए हैं, एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। इन दोनों अधिकारों में जैन दर्शन में जो मूल तत्व ज्ञान है उसकी चर्चा विस्तार से आई है। पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में शुद्धोपयोग अधिकार, फिर ज्ञानाधिकार, फिर सुखाधिकार, फिर सुप्रणामाधिकार। इनके माध्यम से शुद्धोपयोग और शुभोपयोग की और उसके फल में प्राप्त होने वाले केवल ज्ञान और अनंत अतीन्द्रिय सुख का विस्तार से विवेचन किया। और दूसरे ज्ञेय तत्व विज्ञापन में द्रव्यों का सामान्य स्वरूप, विशेष स्वरूप और इन दोनों में भेद विज्ञान, इनकी विस्तार से चर्चा की। तत्व ज्ञान की चर्चा के बाद वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाना असंभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अब हमें अपने जीवन को कैसा बनाना चाहिए, मैंने चारित्र को धारण कैसे करना चाहिए। दर्शन और ज्ञान क्या चर्चा तो मुख्य रूप से अंतरंग की दृष्टि से हुई और अब ये चारित्र की चर्चा अंतरंग और बहिरंग दोनों दृष्टियों से आचार्य देव कर रहे हैं, क्योंकि चारित्र एक ऐसी चीज है जो सिर पर चढ़ के बोलती है। आप सम्मदृष्टि हो गए कि नहीं हो गए, हैं कि नहीं हैं, ये कोई आपको देख के नहीं जान सकता, आपके उठने बैठने चलने फिरने से नहीं जान सकता, आपके भोजनादि करने से सामान्य क्रियाकांड करने से भी नहीं जान सकता। आप सम्यक ज्ञानी हो गए हैं, आप कितने विद्वान हैं, आपने कितना जनवाणी का स्वाध्याय किया है, ये भी आपके माथे पर लिखा नहीं है, कोई आदमी देखकर ये नहीं जान सकता। लेकिन चारित्र एक ऐसी चीज है कि उसे देख करके भी जाना जा सकता है। नग्न निगम्बर दशा देखकर, उनके आहार विहार की चर्या देखकर, उनकी वाणी को सुनकर ये निश्चित रूप से जाना जा सकता है कि ये दिगंबर मुनिराज हैं, चारित्र के धनी हैं। जितनी सुविधा है उतनी तकलीफ भी है। सुविधा ये है कि आप हमें नहीं जान पाएंगे कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि हैं, हम सम्यक ज्ञानी हैं कि मिथ्या ज्ञानी हैं, हम कितने विशेषज्ञ हैं शास्त्रों के, ये आप नहीं जान पाएंगे, इसलिए हमसे कोई अपेक्षा भी नहीं करेंगे। सारी दुनिया देख करके अपेक्षा करना माने क्या, कि योग पद के अनुसार योग विनय का आचरण होना चाहिए ना। हम रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे तो हमें देखकर कोई ये नहीं समझ सकता कि ये विद्वान है इसलिए हमें इन्हें नमस्ते करना चाहिए। जैसे सामान्य हजारों लोग हैं जो जैन दर्शन का तत्व नहीं जानते हैं, वो लोग और हम सभी धान 12 पसेरी तोले जाएंगे, अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन कोई साधु कहीं से भी निकल जाए, ख्याल में आया ना, तो वो तो ये झंडा लेके घोषणा कर रहा है कि मैं नग्न दिगंबर साधु हूँ, मैंने सारे जगत को छोड़ रखा है, तो उसके लिए
यथा योग्य सम्मान सब जगह मिलेगा और मिलना चाहिए। ये मिलता है तो कोई खराई की बात नहीं है कि हमने तुम्हें सम्मान दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो हमारा एक चिन्ह है, वो तो हमारी एक चीज है, ख्याल में आई ना। जितने ये सम्मान मिलेगा उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी है, क्योंकि जिन शास्त्रों को पढ़कर आप नग्न दिगंबर साधु हुए हैं उन वे शास्त्रों पर पढ़ने का किसी दूसरे को प्रतिबंध तो है नहीं। पहले तो ऐसा भी चलता था कि नहीं साहब ग्रस्त लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपकी बचत थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं बेचारों को। फिर जो आपने कह दिया सो ही सही है, जो आपने कर दिया वो ही सही है। और जब आज सबको शास्त्र हाथ में उपलब्ध हो गए हैं और पूरी गहराई से उन्हें पढ़ने का पूरा अधिकार है, बल्कि आपसे ज़्यादा सुविधा है क्योंकि वो कहीं भी जाकर के भी पढ़ सकते हैं, योग्य गुरुओं के आश्रम में विद्यालय में आके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन एक महाराज जो अपन से बहुत वात्सल्य भाव रखते हैं, अपना भी उनके प्रति बहुत सद्भाव है, उनने मुझे बताया कि मैं आपके यहाँ पढ़ने के बाद दीक्षा लेना चाहता था, तो मेरी पूरी तैयारी हो गई थी। वो दूसरी जगह पढ़े भी थे, लेकिन वो कुछ क्या बात की जल्दी हुई, कुछ लोगों ने आग्रह किया ये हुआ ये हुआ, और कुछ लोग पीछे पड़ गए, तो मुझे आपके यहाँ आए बिना ही दीक्षा लेनी पड़ी। पर अब मैं चाहता हूँ कि आपके ज्ञान का लाभ मुझे प्राप्त हो। कैसे हो सकता है, क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए? मैंने बहुत सद्भाव से उनने ये बात कही, तो मेरे को उस वक्त ये बात ख्याल में आई कि देखो ये दीक्षा लेने के बाद कितना कठिन हो गया, समझ में आया ना, पढ़ना जो आपको एकदम सरलता से अभी उपलब्ध है ना, है? आपने अपने माथे पर कोई बड़ी साफा नहीं बांधा है ना, इसलिए आप जैसे भी आकर जैसी भी परिस्थिति में हैं जहाँ भी बैठकर आपको ये तत्व ज्ञान सुनने को मिले आप सुन सकते हैं। अब पूज्य गुरुदेव जी तो ये बोलते थे कि तुम्हारा सम्मान, तुम्हें सम्मान पत्र दिया जा रहा हो ना, और ऊँचे से ऊँचे सिंहासन पर बैठाल करके भी तुम्हारा अभिनंदन किया जा रहा हो तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे लिए वो आनंद की चीज़ नहीं है। और ये जिनवाणी ये तत्व ज्ञान जूतों में बैठ करके भी सुनने को मिले तो सुनना चाहिए, शास्त्र के आधार से वो ये बात कहते थे। तो आज आपको वो सुविधा प्राप्त है, कौन सी है? यहाँ तो हमारे सुशील जी ने ये सब व्यवस्था कर दी है कि क्योंकि उस तरफ भी आप लोग रहते हैं, इस तरफ भी लगते हैं, तो यहाँ से वहाँ आना, यहाँ से वहाँ जाना, फिर नीचे दो जीना उतर के जाना, फिर चढ़ के आना, बहुत मेहनत का काम था, इसलिए हमने बुद्धिपूर्वक ये दीवार बनाई। और इसके पीछे से आप जूता चप्पल पहन के जा सकते, वो मंदिर का हिस्सा नहीं है वहाँ बैठ के, और ये मंदिर का हिस्सा है, इसमें पूरी मर्यादा से आप तक वहाँ तक रहना पड़ेगा। जो भी हमारे मंदिर की मर्यादा होती है वो सब ये मर्यादा के भीतर की बात है। तो अभी अभी कोई कोई नहीं यहाँ आ सकता हो इन परिस्थितियों पर, तो उसकी उस तरफ भी सीट है, वहाँ बैठ के भी सुन सकता है ना। मुझसे किसी ने कहा था कि ज़्यादा जगह थोड़ी थोड़ी कम छोड़ दे तो ठीक रहता, क्योंकि उतना हॉल एक कम हो गया। मैंने कहा जब भी इतनी भीड़ आएगी ना तो वहाँ खड़े रह के भी लोग सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, आवे तो क्यों, एक भीड़ आवे तो सुने तो ही तत्व ज्ञान को, क्यों उसके अंदर में ये धारणा तो बने। लेकिन हमारे मुनिराज जो हमारे इस मार्ग पर चल गए हैं और जिन्होंने ये पद धारण कर लिया है, उनके लिए बहुत मर्यादाएं हो गई हैं। अब उन्होंने सवारी का भी त्याग कर दिया है, सीधे समझ पूर्वक नंगे पैर चलते हैं, तो वे कहाँ पहुँच सकते हैं, मर्यादाएं उनकी बहुत हो गई ना। और उनके पास आकर के उन्हें समझाए कोई पढ़ाए तो जो पढ़ाने लायक उन्हें होगा
वो सहज उपलब्ध थोड़ी है ऐसे, इसलिए वो कठिन हो गया। मतलब वो इसलिए अंतरंग और बहिरंग, अब दोनों सब बात, वो नग्न दिगंबर दशा इतना आप जानते हो, शास्त्र इतना पढ़े हैं ना आप सबने, कि हमारे दिगंबर मुनिराज एकदम आड़े बाल के बराबर भी वस्त्र उनके पैर पर नहीं होता है। तो एक ऐसा दुपट्टा वे डाल के आए तो आप आहार देंगे? हमारे इस आदरणीय भाइयों ने भगवान महावीर के गले में भी दुपट्टा डाल दिया, और वो कहते हैं कि उन्हें थोड़ा थोड़ी था, वो तो एक झाड़ी में उलझ गया था हैं, इसलिए वो छूट गया और फिर उन्होंने दोबारा ग्रहण नहीं किया। यानी वस्त्र का त्याग कोई जरूरी नहीं है ये बताना है उन्हें, और महावीर नग्न दिगंबर थे ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, इस बात को भी कोई झुटला नहीं सकता। तो ऐसा तो नहीं है ना, माने और सब कुछ जो उचित नहीं है और शास्त्र की गहराई से जान करके ही हम जान सकते हैं उसकी बात तो जाने दो, लेकिन एक इतना सा ये रूमाल, क्योंकि देखो जैसे जुकाम अपन को होता है ना, ऐसे बेचारे उनको भी होता है ना, हो सकता है ना, अपना संघनन तो अपने जैसा ही है ना, क्यों बोलो क्या करें, बार बार जुकाम हो ऐसा आए तो क्या करें, तो रख ले मैं एक ऐसा, तो क्या दिक्कत, क्यों आप लोगों को मंजूर है, मैं आपका गुरु हूँ कह रहा हूँ, मंजूर है? नहीं बोलो ना कि नहीं नहीं है मंजूर, नहीं है ना, कोई भी कहे नहीं है तो ये आपके दिगंबरत्व के प्रति अटूट श्रद्धा है, और आप भी इस बात को जानते हैं कि मतलब वो उनको उनने नग्न दिगंबर दशा धारण की है, तो उससे जो पूज्यता प्राप्त हुई है उसके साथ में इतनी बड़ी जिम्मेवारी भी प्राप्त हुई है कि उन्हें पूरी मर्यादा में रहना पड़ेगा। इसलिए चरणान योग सूचक चूलिका, जिसे अमृतचंदाचार्य अधिकार कहने का मैं संकोच करते हैं, चूलिका कहते हैं, उसमें तीन जगह लिखा मैंने कल आपको बताया था कि ये बात मैं अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कह रहा हूँ। देखो अथ परेशान चरणान योग सूचक चूलिका, इस चरणान योग सूचक चूलिका है ये दूसरों के लिए है लिखा ना। फिर अगली पंक्ति देखो अगले पेज पर, इति चरणा चरणे परान प्रयोजति। अब चरण माने चारित्र के, आचरणे माने आचरण में दूसरों को नियोजित करते हैं, प्रेरित करते हैं, ये दूसरों की बात। फिर अभी नीचे एक किसी जगह और बताया था है ना, कहाँ परे आ ना, तीसरे नंबर कलश में, तेरह नंबर कलश, देखो भैया देख लेना, वही समझ लेना, अभी अपना इस बात को चलने दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें वे कई जगह ये तो लिखा, उन्होंने कई जगह ये तो लिखा कि ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि मैं ये दूसरों के लिए लिख रहा हूँ। ये परेशान शब्द इस चरणानी योग सूचक चूलिका में है, ऐसा जो मुनिराज है ना वो जो धारण करेंगे ये उनके लिए लिख रहे हैं, तो परेशान में तुम नहीं आते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हें भी मुनिराज बनना है, मोक्ष जाना है तो बनना पड़ेगा ना, रास्ता तो कोई दूसरा है नहीं, लेकिन गुरु का स्वरूप तो समझना है, अभी नहीं बनना हो तत्काल तो गुरु की पहचान तो समझनी है कि नहीं समझनी है, कि हमारे गुरु कैसे होते हैं, कितने तपस्वी होते हैं, कितने महान होते हैं, उनका कितना पवित्र आचरण होता है अंतरंग से और बहिरंग से, ये बात तो हम सबको जानना है, और इसलिए भी कि हमारे यहाँ सम्यक दर्शन की परिभाषा में देवसात गुरु की श्रद्धा को भी महत्व दिया है, जहाँ तत्वात सूत्र में
तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम लिखा है, वहीं पर रतगण श्रापकाचार में सत्य देवशास गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन का है ना। आपका आगम तपोभृतम माता, तो उनको सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा है। इसलिए हमें देवशास गुरु का सही स्वरूप भी समझना है। अमृत चंद्राचार्य देव के दिमाग में अपने साथ साथ इसमें पर भी है और पर के साथ साथ स्वयं भी है। आगे एक पंक्ति में ये लिखते हैं कि हम खड़े हैं ना, मुनि धर्म क्या होता है उसका स्वरूप जानने वाले उसके विशेषज्ञ हम खड़े हैं ना, ऐसा लगता है बहुत अभिमान में आ गए थे। क्यों कि मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप है, मुनिराजों का आचरण कैसा होता है उसे जानने वाले हम हैं, तो तुम क्यों चिंता करते हो। यदि कुन्नकुन्नाचार्य देव ने ये आज्ञा दी है ना, यदि दुखम परिमोक्षम है ना, यदि दुख से छूटना चाहते हो तो सामान्यम परिबद्धु सामान्य पने को धारण करो। बोलो ये गाथा पढ़ो है ना, पहली गाथा है ना। परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो दुख परिमोक्षम, यदि इच्छा से यदि चाहते हो कि हम दुखों से छूट जाएं तो परिवज्जत सामान्यम तो मुनि धर्म को धारण करो। हमारे आचार्य ये आज्ञा दे रहे हैं। परिवज्जत कौन सा लकार है, व्याकरण तो पढ़े हो ना तुमने, उसका चोट लकार है, कार्य के काम आता है, उसका नाम है आज्ञा। आज्ञा देना हो तो इसके लिए एक अलग लकार है, और तरकीब बतानी हो विधि बतानी हो तो उसके लिए एक अलग लकार है। 10 लकार होते हैं है ना। पुष्पांजलि छिपेत, ये छिपेत क्या होता है, है? कौन है ये विधि लिंग है, वो विधि बता रहे कि तुम पुष्पांजलि का क्षेपण कर दो। जो वो आचार्य है ना वो आप लोगों से कह रहे पुष्पांजलि छिपे, वो तुम नहीं बोल सकते, वो तो कोई पूजा कराने वाला पढ़ने वाला प्रतिष्ठाचारी अलग हो और तुम पूजा करने वाले अलग हो, तो वे तुमसे कहेंगे अब पुष्प क्षेपण करो, जैसे पुष्पांजलि छिपे अंजलि में लेकर पुष्प के गुच्छे पुष्प और उसको तुम्हें अभी छिपेत डालो, समझे ना। तो छिपेत शब्द है विधि लिंग का है, ये विधि बताने के ही काम आता है। अब तुम किसको विधि बता रहे जब खुद ही चढ़ा रहे हो अर्घ लेकर के, क्यों तो बोलना है तो छिपा भी बोलो कि मैं छेपण करता हूँ, है ना। वो तो प्रतिष्ठा पहले लोग ऐसा ही होता था, ब्राह्मणों में ज़्यादा पूजा करोगे तो ब्राह्मण ही कराते हैं और लोग तो कभी ऐसे स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। ये तो हम जैनों का महाभाग्य है कि हम सब आज़ाद हैं, सबको है, हम भगवान के सामने हम स्वयं भी पूजन कर सकते हैं, क्यों। इसलिए वो जो विधि लिंग है छिपेत वगैरह, जो कल शांति जी आपको बता रहे थे ना कि कहाँ ना बोलना, कहाँ मैं बोलना, कहाँ बा बोलना, कहाँ
ये कितने बोलना कुर्वन्तु ते मंगलम है ना। और मैं आपके चरणों में क्या है मम नयन पथ गामु भवतु मे भवतु ना भवतु बा भवतु ते, चार तरह से हो सकता है ना। वो भी यही फर्क है कि वो जो आचार्य बोले और वो पुष्प हाथ में ले और वो कहे कुर्वन्तु ते मंगलम माने वे पंच परमेष्ठी आपका मंगल करें और वो आपके ऊपर पुष्प छिपे। वो भगवान के ऊपर नहीं आपके ऊपर आशीर्वाद देना है। वो अपने एक आशीष लिंग भी होता है आठवां है ना, आशीर्वाद के लिए अलग इतना आशीर्वाद देते होंगे गुरु लोग क्यों है? जिसके लिए व्याकरण में पूरी व्यवस्था है बनाई है शुभम भूयात समझे ना। तो ये विधि लिंग है तो कहाँ क्या हम तो अभी जानते नहीं हैं। यदि इनको भी ढंग से पूजा पाठ को भी हम पढ़ें एक दफे देखें, अब तुम लोग शास्त्री हो गए हो ये सब समझ सकते हो, नहीं आओ तो अभी पूछ सकते हो, ख्याल में आए ना। लेकिन ये सब बातें तुम्हारी समझ में आनी चाहिए ना। और जो मौके मौके पर जैसे शांति जी ने बताई थी और जो भी लोग बताते हैं तो उस वक्त तो वहाँ से भी ग्रहण करना चाहिए कि नहीं कि कब छिपामी बोलना कब छिपेत बोलना है कब क्या करना है। और वो जब कहते पुष्पांजलि छिपेत तब छिपेत माने तो फेंकना होता है, ऐसे करते ना आचार्य सब जगह फेंक देते हैं ऐसा है समझिए ना। ऐसा नहीं है फेंकना वैसे ही लगा फेंकते ही हैं, ये कई जगह कहाँ कहाँ ऐसे जाके वहाँ ऐसे चढ़ाते हैं क्या है? देखो कहाँ अपन पढ़ रहे थे कि ये जो अमृतचंद्राचार्य ने इसको ये बताया है कि ये मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी ये दोनों के लिए मैं ये शास्त्र लिख रहा हूँ। ये चरणानी उन दोनों में तो ये कहते मैं ऐसा निर्णय करता हूँ, कैसा करता हूँ कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ, क्योंकि वस्तु के स्वरूप का तो मैं भी एक वस्तु हूँ ना है, मैं भी एक वस्तु हूँ ना। तो जो जैसे द्रव्य सामान्य अधिकार है तो जो वस्तु का स्वरूप है यदि मैं भी वस्तु हूँ तो वो सब मेरे में भी घटित होगा। यदि उत्पाद व्रोहतम वस्तु का सत है स्वरूप है तो मैं भी वस्तु हूँ ना, तो उत्पाद व्रोहतम सत मेरे पे भी घटना चाहिए। गुण पर्याय द्रव्यम तो गुण पर्यायवान होना मेरे पे भी घटित होना चाहिए ना। फिर जैसे ऐसा लगता है कि एक वाक्य तो ऐसा लगे एकदम हम खड़े हैं ना ये बताने वाले, क्यों घबराते हो क्या बहुत अभिमान में बोल रहे, ऐसा भी लग सकता है। और ऐसा भी लग सकता है कि आश्वासन दे रहे कि घबराओ मत क्योंकि तुमने आदि पुराण पढ़ा है ना कि ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी तो उनके साथ 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली थी मालूम है ना। और फिर ऋषभदेव तो मौन हो गए और 6 महीने तक उपवास कर लिया उन्होंने मौन का, तो बोले ही नहीं। वैसे भी तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद और केवल ज्ञान होने के पहले बोलते ही नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि खिरती है समझे ना। वास्तव में बोलते तो तब भी नहीं है, वो दिव्य ध्वनि तो सर्वांग से खिलती है, ओंठ तो तब भी नहीं हिलते हैं। उनने तो जिस दिन दीक्षा ली उस दिन से जो मौन व्रत लिया वो कितने दिन के लिए लिया, हाँ अनंत काल तक के लिए लिया। अब वे कभी बोलेंगे ही नहीं, अब उन्हें कोई बताने वाला नहीं था। तो उनकी जो दुर्दशा हुई थी वो दुर्दशा हमने शास्त्रों में पढ़ी है। तो अभी भी कोई दीक्षा लेगा और यदि वो दीक्षा के प्रति सीरियस होगा कि मैं इसे ढंग से पालन करूं, मेरे द्वारा ये मुनिपद बदनाम नहीं हो, मेरे से कोई ऐसा काम नहीं हो जाए, क्योंकि ये सर्व पूज्य पद है,
अपने जैन शास्त्रों में पंच परमेश्वरी को एक लाइन में बैठाया है ना, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु ना, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक एक क्यों पढ़ा है? मैं नमोकार मंत्र भी तो सुना सकता था, तो उसमें एक लाइन में नहीं है ना। अरहंत सिद्ध तो एक लाइन में, आचार्य एक लाइन में, लेकिन साधु और उपाध्याय को तो नीचे की लाइन में है ना। मुझे एक लाइन में बताना था, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं, एक लाइन में हमने रखा। मुनिराजों को भी चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके पदमों पर। ये जो मुनि पद अपने यहाँ भगवान जैसा ही पूज्य है, जो जैसे अरहंत सिद्ध पूज्य हैं, ऐसे ही पंच परमेश्वरी में देव गुरु भी वैसे ही पूज्य हैं। छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले हमें भावलिंगी संत बोलते हैं ना, वो भी आएगी इसमें चर्चा। भावलिंगी नहीं, द्रिवलिंगी और भावलिंगी दोनों। कोई भी मुनिराज सच्चे अकेले भावलिंगी नहीं होते, समझे ना। उनके द्रिवलिंग भी नियम से होता है। सिद्ध चक्र विधान की जयमाला में एक पंक्ति आती है, भावलिंग बिन कर्म खेपाई, द्रव्यलिंग बिन सिर पद जाई, यों अयोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठन है सोई। क्या अर्थ है इसका? ऐसा लिखा है कि द्रिवलिंग के बिना मोक्ष नहीं हो जाना, और भावलिंग के बिना कर्मों का खपाना, भावलिंग के बिना कर्मों का खपाना और द्रिवलिंग के बिना। फिर क्या कह रहे, उल्टा उल्टा नहीं लगता है वहाँ? तो मैंने तो सिर्फ दो पंक्तियाँ बोली हैं, वहाँ छह पंक्तियाँ हैं, किसे याद है? छह पंक्तियाँ हैं जिसमें इतनी बातें बताई, इसके बिना ये नहीं होता, इसके बिना ये नहीं होता, इसके बिना ये नहीं होता, और उसमें ये अंतिम दो पंक्तियां हैं। ये माला का अर्थ करते हैं ना अपन सिद्ध चक्र विधान की, तो जब आप पांच पंक्तियों में करते जाएं तो ऐसा लगेगा सब उल्टी उल्टी बातें कह रहे हैं। बोलो बोलो। नए प्रमाण बिन वस्तु प्रमाण, उदया भाव बिन निज कल्याण, यों अयोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। वे कह रहे कि हे भगवान, तुम्हारे गुणों का कथन करना बहुत कठिन है। कितना कठिन है कि जैसे द्रिवलिंग मुनि पद को धारण किए बिना मोक्ष में जाना कठिन है, जैसे भावलिंग को धारण किए बिना कर्मों का छिपाना कठिन है, जैसे प्रमाण नए प्रमाण के बिना वस्तु के स्वरूप को जानना कठिन है, जैसे दया भाव के बिना आत्मा का कल्याण कठिन है, समझिए ना। ऐसी बातें वहाँ बहुत सी गिनाई हैं। यों अयोग्य कार्य नहीं होई, जिस प्रकार जे अयोग्य कार्य इस जगत में नहीं होते हैं, यों अयोग्य कार्य नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई, तुम्हारे गुणों का कथन करना उतना ही कठिन है। तो वहाँ द्रिवलिंग और भावलिंग इन दोनों को अनिवार्य बताया है। क्यों? आपके द्रिवलिंग द्रिवलिंग, हमारा तो ऐसी हालत हो गई है कि द्रिवलिंग शब्द सुनते ही हमारे मुंह में कड़वाहट आ जाती है। क्यों? चेहरा बिगड़ जाता है, हैं? और बहुत से लोग कहते हैं हमसे कि आप हमें द्रिवलिंगी मानते हैं,
हमने कब कहा कि तुम द्रव्यलिंगी हो? हम नहीं मानते। द्रव्यलिंगी तो कितना निर्दोष पालन करता है उसका, जो नौवें गिरिवेग तक जाते हैं ना, द्रव्यलिंगी पहले गुण स्थान वाले मिथ्या दृष्टि। द्रव्यलिंगी चार तरह के होते हैं, एक पहले गुण स्थान वाले, एक चौथे गुण स्थान वाले, एक पांचवें गुण स्थान वाले, एक छठवें गुण स्थान वाले और सातवें वाले। सातवें वाले भी होते हैं लेकिन वे भावलिंगी के साथ में होते हैं, समझिए ना, उनमें कोई कमी नहीं होती है, ऐसे होते हैं, समझिए आप। माने द्रव्यलिंग का होना अनिवार्य है। कैसा, हमने तो बहुत निंदा पड़ी है शास्त्रों में भी और तुम्हारे पंडितों के मुख से तो बहुत सुनी। ये बदनामी अपने माथे नहीं होनी चाहिए। क्यों? अरे वो तो भाव लिंग के बिना, असली वस्तु के स्वरूप सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना, और द्रव्य लिंग जो अकेला धारण कर लिया हो वो तो उसकी निंदा है। जैसे नाटक में कोई बन जाता है ना, ऐसे बन गए हो, मुझे उनकी निंदा है। निंदा उनकी नहीं है क्या? इसमें भी आएगा, ये बात इस प्रवचन सार में आई है कि द्रव्यलिंग भी उतना ही अनिवार्य है। ख्याल में है ना? जितना देखो क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ लो। तुम विद्वानों को तो बहुत समझना जरूरत है, अत्यंत सावधानी की जरूरत है। जो शुद्धोपयोग है ना, वो शुद्ध परिणति है। खात में गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग और छठवें सातवें में होने वाली तीन कसाई के अभाव रूप निर्मल परिणति, ये दोनों हैं भावलिंग। अब उसी समय छठवें गुणस्थान में और सातवें गुणस्थान में जो नग्न दिगंबर दशा है, जो 28 मूल गुणों का पालन है, जो पांच समितियों का पालन है, 10 धर्मों का पालन है, 3 गुप्तियों का पालन है, ये बाहर में जो आचरण सब है ना, ये सब है द्रव्य। तो ये इंद्रिय समिति चार हाथ आगे जमीन देख के चलना, ये मुनि का कर्तव्य नहीं है, ये द्रव्यलिंग है। बोलो कौन? वो क्रिया और वो शुभ भाव। छठवें गुणस्थान की भूमिका में होने वाला शुभ भाव और वो उनका जो जीवन में क्रियाएं निकली है ना, वो सब क्रियाएं, उन सब का नाम है द्रव्यलिंग। तो एक सच्चे मुनिराज को नग्न दिगंबर दशा भी होना जरूरी है, पंच महावृत होना भी जरूरी है, पांच समितियों का पालन भी बहुत जरूरी है, और आत्मा का अनुभव और हर अंतर्भूत में शुद्धोपयोग में जाना भी जरूरी है, तब वे सच्चे मुनिराज हैं। कि भावलिंगी सच्चे हो, द्रव्यलिंगी झूठे, ऐसा नहीं है। लोग गलत समझते हैं हमें। देखो यहाँ एक महाराज आए थे अपने टोलमल स्मारक में, तो उनने कहा कि मुझे कुछ कैसेट चाहिए अपने ऑफिस से। तो मैंने ये कह दिया था कि दे देना, लेकिन वो कैसेट मत देना कि जिनमें मैंने द्रव्यलिंग और भावलिंग पर भाषण करे। ऐसा मैंने ये राजेंद्र को इनको आदेश दिया था कि ये वो मत देना, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद उनको बहुत बुरा लग जाएगा ये सुनेंगे क्या ख्याल में। लेकिन सच्ची घटना बताता हूँ कि वो इनने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, तो भूल गए और जो कैसेट उन्हें दिए तो उसमें वो थी, वो व्याख्यान भी सच्ची घटना है। मैं तो वहाँ इस वक्त था नहीं। 15 दिन बाद जब मैं बाहर से आया और मुझे वहाँ बुलवाया महाराज ने, तो वे किसी अपने एक भाई के घर पर ठहरे हुए थे, अपने जो यहीं रहते हैं ना उनके कौन जिन्हें जो इधर जो अपने रोजाना आते हैं अपने मंदिर में पूजा करते हैं, वे उनके जमाई हैं, वो उनके घर पर वो ठहरे थे, मुझे बुलाया। तो मैं गया तो
उनने जाते ही मेरे से कहा कि आपके यहाँ से कैसेट आ गए थे, बहुत अच्छे थे, और मैंने सबसे पहले ध्रुवलिंगा भावलिंगा वाला फ्रिक्वेंस सुना। उनने वो ये देखा ना उस पर, तो उनको वही जानने की इच्छा हुई, तो सबसे पहले उनने वही सुना। और उनने इतनी प्रशंसा करी मेरे से कि बहुत अच्छे, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना वही सब बातें हैं उसमें, उन्हें बहुत अच्छे लगे। मैं पुलक सागर जी थे, आप समझे ना, उनने कहा, मैंने कहा जी अच्छा रहा भाग्य कि उनको वो अच्छे लगे, क्यों अच्छे नहीं लगते ना तो बहुत अच्छा नहीं होता ना देना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो द्रवलिंग और भावलिंग के संबंध में जो विचार हैं वो सब मुनिराजों को बहुत अच्छे लगने वाले हैं। हमारे से जो भूलें होती हैं उनको समझने में, बोलने में, करने में, उसकी वजह से झगड़ा खत्म खड़ा होता है। तब उनकी तरफ से समझ लो चाहे अपनी तरफ से समझ लो, है ना, कहीं ना कहीं भूल है। जो सच्ची बात है वो सामने आए उसे कौन स्वीकार नहीं करेगा, चार हाथ जमीन देख के चलना चाहिए, ये सीधी सच्ची बात है। क्यों, अब कोई मुनिराज चले तो ऐसा ऐसा मुंह करता, चारों तरफ करता करता बात करता चले तो चार हाथ जमीन नहीं देखेगा, तो गलती है ना। मैंने देखा है ऐसे, हर एक के नाम लेना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, विद्यानंद जी की बात बताता हूँ, भवनानंद जी जिनसे मेरे बहुत बात्सल्य भाव है, संबंध अच्छे हैं, उन्हीं की बात करूँगा, मैं कोई झगड़े वाली बात नहीं करूँगा। तो यहीं आए थे स्मारक में, अब यहाँ से फिर वो जा रहे थे, मैं भी साथ में था, तो मैं इतना विवेकी नहीं था कि मुझे उनमें रास्ते चलते उनसे बात नहीं करना चाहिए थी, लेकिन मैंने बात की शुरू तो वो एकदम खड़े हो गए, और फिर वो उनने बात की, और जब तक वो बात करते रहे तब तक खड़े रहे। तब मेरे ख्याल में ये बात आई कि अपन से गलती, जब इरिया समिति पूर्वक चार हाथ जमीन देख के चलेंगे तो उस वक्त उन्हें बोलना नहीं चाहिए, किसी से गप्पे नहीं लगाना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, गप्पे का तत्व चर्चा भी नहीं करना चाहिए। बुनियाद गप्पे लगाएंगे तो हम कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन तत्व चर्चा भी नहीं चाहिए, और हमको उस वक्त उनसे बात नहीं करना चाहिए क्या। यदि तत्व चर्चा भी करनी है, कोई बात भी पूछनी है, तो जब भी एकांत में शांति से बैठे हों, सब तरीके से निराकुल भाव से, और तब वे उनकी अनुमति पूर्वक वे आज्ञा दे रहे हैं, तो हम अपनी बात अत्यंत विनय पूर्वक रखकर हमें पूछनी चाहिए। अब जो उत्तर वो दे रहे हैं उस पर गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए, है ना, कि ये बात में क्या सच्चाई है, क्या क्या है जिनवाणी के आधार से क्या है। तो कोई भी कहे, सर्वत भगवान की बात भी याद है ना, तो परीक्षा करके पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। वो तो अपन को आज्ञा अपन को मिले है, अधिकार मिला हुआ है समझ लीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है, है ना। लेकिन उनकी मर्यादा तो है ना, उनकी मर्यादा कि हमें चार हाथ जमीन देख के चलना, अब चार हाथ जमीन देख के चलना ये द्रव लेंगे बोलो, अब इसको निंद नहीं है, ये द्रवलिंग है, ये भावलिंग नहीं है। क्यों, ये शुभ भाव है, वो शुभ क्रिया है, शुभ भाव और शुभ क्रिया को बोलते हैं द्रव्यलिंग, और शुद्ध भाव और शुद्ध परिणति को बोलते हैं भाव। कोई भी मुनिराज होते हैं यदि वो तीन कसाई के अभाव रूप शुद्ध परिणति वाले हैं, तो वो शुद्ध परिणति ऐसी नहीं है कि वे जब बाहर बोलने में आएंगे, आहार को जाएंगे तो वो मिट जाएगी, वो 24 घंटे कायम रहने वाली चीज है। शुद्धोपयोग तो नहीं रहेगा, शुद्धोपयोग तो मिट जाएगा, ख्याल में आई ना, लेकिन वो शुद्ध परिणति तो रहती है। लोग क्या समझते हैं कि वो शुभ भाव का काल है, वो शुभ क्रिया का काल है, और शुभ भाव तो मोक्ष का कारण नहीं है, अपन ने खूब पढ़ा है, क्यों बंद का कारण है, तो नहीं, और शुभ क्रिया भी जड़ की क्रिया है, लेकिन शुभ भाव और शुभ क्रिया वो दोनों भाव लिंग के साथ
होना अनिवार्य है, होते ही हैं। पूज्य गुरुदेव की भाषा में कहें तो वे नियम से होती ही हैं, होनी ही चाहिए, समझ रहे ना। और हम और आप यदि हम मुनिराजों की पहचान करते हैं तो हम तो वही तो कर सकते हैं। अंतरंग का निर्णय तो बहुत कठिन काम है, कैसे करें, क्यों? जैसे तुम्हारा सम्यक दर्शन समझना कठिन है, ऐसे उनका सम्यक दर्शन भी समझना कठिन है ना। तो हम आप यदि देखेंगे तो वो जो दम्मे गिरिवेक तक जाने वाले द्रविलिंगी मुनि होते हैं, वो सब आहार आदि को जाते हैं तो सब सम्यक दृष्टि धर्मात्मा लोग उन्हें आहार आदि देते हैं। टोडरमल जी ने लिखा ना मोक्ष में प्रकाशक में कि भाई ये आहार देना भी व्यवहार है और उनका व्यवहार एकदम निर्मल है। और अंतरंग की परिणति की बात है श्रद्धा इसकी, तो वो तो जब बोलेंगे और कदाचित कोई हम भी बहुत इतने ज्ञानी हों कि हम वो समझते हैं कि बोली के से हम अंदाज लगा लें कि ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, हर एक के बस की बात तो नहीं है ना वो, क्योंकि ज्ञानी जन भी तो व्यवहार वचन बोलते हैं। व्यवहार वचन क्या ज्ञानी जन नहीं बोलते हैं? अमृतंदाचारी देव ये पूरे अधिकार में चरणा जो सूचक चूल का अपनी चल रही है, ये मुनि धर्म का स्वरूप ही वर्णन होने वाला है। वो कितनी मर्यादा में इस बात को बता रहे हैं, दो दो आचार्य हैं अपने पास, एक कुन कुंदाचार्य तो हैं ही, फिर अमृतंदाचार्य और जयसेनाचार्य, दोनों आचार्यों ने इसको इस प्रकरण को बहुत अच्छी से तरह से खोला है। और भाग्य से अपन मुमुक्षुओं में चरणान योग और मुनि धर्म का सच्चा स्वरूप समझने का यही सबसे बड़ा साधन है। श्राप का चार तो है अपने रत्न श्राप का चार वगैरह अपन पढ़ाते हैं, पुरुषा सिद्धि उपाय में भी श्रापों के आचरण का वर्णन है, हैं रत्न श्राप का चार में भी श्राप के आचरण का वर्णन है। और बड़े राजा ने एक किताब लिखी है श्राप का चार पर, तो उसमें उनने 42 श्राप का चार इकट्ठे किए थे। हम तो नाम भी नहीं जानते होंगे, अभी बता सकते कि 42 कौन कौन से, 42 श्राप का चार। और इनके अलावा हमारे जो प्रथमान योग के शास्त्र हैं ना, तो उनमें भी जगह जगह श्रावक धर्म का और मुनि धर्म का वर्णन है, तो वे भी श्राप के ही चार हैं ना। तो उनके माध्यम से श्रावकों के आचरण के बारे में तो हमें बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन मुनियों के आचरण के बारे में एक तो अनागार धर्म अमृत है, तो वो अपने यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, अपने कोर्स में नहीं है, हम जब पढ़ते थे तब भी नहीं पढ़ाया जाता था। दो चीज़ें ऐसी तुलनात्मक रहती थी कि दादी हम पुरुषा सिद्धि पर पढ़ाएँ कि रत्नगण साहब का चार यही चलता था, तो लोग ज़्यादातर मेरे रत्नगण साहब का चार को ही प्रेफरेंस देते थे, हैं। समंत भद्राचार्य का नाम न्याय पढ़ने वालों की दृष्टि में बहुत महान था ना, समझे ना। पर अम्बे चंद्राचार्य का तो आत्मघाती पढ़ने के बाद हमारी महिमा आती है, हैं। पुरुषा सिद्धि उपाय की महिमा तो तब आएगी जब हम अम्बे चंद्र की महिमा आएगी, और रविंद्र सापकाचार्य की महिमा तो आएगी क्योंकि समंत भद्र की महिमा तो न्याय शास्त्र में देवागम स्त्रोत्र के माध्यम से जो हमने पढ़ा है तो हमारे चित्र में बहुत गहराई से बसे हुए थे, इसलिए वही पढ़ाया जाता था। तो अभी ये जो सारा अध्याय है उसमें मेरी भी जिम्मेवारी और आपकी भी जिम्मेवारी बहुत गंभीरता से है, इसमें सारा वर्णन मुनि धर्म का आचरण कैसा होता है, उनका अंतरंग कैसा होता है, उनका बहिरंग आचरण कैसा होता है, ये सब बात बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। और आचार्य अमृतचंद्र देव जो ऐसा बोलते हैं कि हम खड़े हैं ना, पूज्य गुरुदेव श्री ने जब ये पढ़ी पंक्ति पढ़ी तो वे उछल गए, किस बात पे? इस बात पे कि हो आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं कि तुम लोग घबराओ मत, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, जैसे हमारे पीछे आप अमृतचंद्र खड़े हो, हमारी सुरक्षा में हमारे वकील बन के ही खड़े हो, है ना, हम खड़े हैं ना, ऐसा लिखा है इसमें। मैं वो पंक्ति पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ, कहाँ है निकालो देखो,
Pojeme. सामान्य को धारण करो है ना। देखो ये पेज नंबर 391 391 उसमें है। उस रामण को ऊपर लिखा उसी प्रकार दूसरों के आत्मा भी यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो उस रामण्य को अंगीकार करो। देखा ना, मिल गया। उस रामण्य को अंगीकार करने का यथानुभूत जो मार्ग है, अनुभव किया हुआ जो मार्ग है, उसके प्रणेता हम यहाँ खड़े हैं। यह नहीं है यहाँ, उसके प्रणेता हम यहाँ खड़े हैं। देखो संस्कृत में देखो, यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्ति वर्तमना प्रणेता रहा वयम इमे तिष्ठामा इति। अपन कहते हैं ना, करो ना, तुम करो, हम खड़े ना, चिंता मत करो। कोई बात होती है ना तो अपन कहते हैं ना, हम खड़े हैं ना, तुम चिंता मत करो, तुम करो। कितना बड़ा बल है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी उनने समझ लो ली है सभी मुनिराजों के लिए। ये कोई एक मुनिराज की बात थोड़ी है। वो कहते हैं कि तुम मुनिपद धारण करो, कि महाराज हम तो जानते नहीं हैं कि कैसे करें, क्या करें, कैसे आहार लें, क्या करें, कि हम कहने ना, हम सब बताएंगे। तुम नक्की तो करो कि हमें करना है, होना है, फिर हम पहले ही बताएंगे। दीक्षा देने के पहले ही बताएंगे, क्या है ना, जैसा नहीं कि दीक्षा देने के बाद बताएंगे। ऋषभ देव के साथ दीक्षित हो गए थे तो ऋषभ देव को भी बताना चाहिए था। तो वे कब आचार्य बने थे, वे कब कह रहे थे कि हम तुम्हें बताएंगे? उनका तो ऐसा नहीं है मैं तीर्थन करूँगा, वे तो मौन रहते हैं। वे कभी आचार्य नहीं बनते, वे उपाध्याय नहीं बनते, सिर्फ साधु बनते हैं। क्योंकि साधु बने बिना मोक्ष नहीं होता, आचार्य बने बिना मोक्ष हो जाता है, उपाध्याय बने बिना मोक्ष हो जाता है। आचार्य उपाध्याय तो बने बिना मोक्ष हो ही जाता है, यदि आचार्य उपाध्याय पद पे रहें तो मोक्ष नहीं होता है। नहीं होने की गारंटी है, होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये मैनेजमेंट का बोझा लेकर के और मोक्ष में नहीं जाया जा सकता है। अपन ने अभी इन दोनों बहुत व्याख्यान किए हैं ना ध्यान के संदर्भ में, सोचो नहीं, बोलो नहीं और चेष्टा भी मत करो, ठीक है ना। अभी उनको आचार्य महाराज के माथे पर कितनी चिंताएं हैं, ये मुनिराज सब हैं, अभी ये सब नए नए दीक्षित हैं, अनाड़ी हैं, समझते नहीं हैं। अब आगे वो जो रास्ते में भिड़ पड़े सुध सागर उनसे, अब आगे साहब का ऐसा था, मैंने उनको मुँह तोड़ जवाब दे दिया। वे नीचे बगलें झांकने लगे, वे तो समझते थे कि आचार्य महाराज हमको शाबाशी देंगे कि बेटा तूने बढ़िया किया। मैंने एक कहानी लिखी है, क्या नाम है उसका, जिसमें ये बात लिखी है, अक्षम्य अपराध है, ये अक्षम्य अपराध है कहानी लिखी है, कि जब वो उनने अपनी आँखें सुनाया तो आचार्य महाराज के माथे पर 3 थल पड़ गए। उन्हें शाबाशी तो दी नहीं, वे खुश तो हुए नहीं, लेकिन माथे पर 3 थल पड़ गए। जब ये बात उनने देखी जिनने ये सुनाई थी ना सुध सागर ने, ये महाराज को तो चिंता बढ़ गई। उन्होंने कहा महाराज क्या बात है, क्या गलती हुई मेरी, हाथ जोड़ के। तो उनने कहा संघ की सुरक्षा का सवाल है। क्या बोले, क्योंकि तुम तो हम कह रहे उनसे लड़के आ गए, चैलेंज दे के आ गए और उनका अपमान करके आ गए, उनके पूरब भव की कहानी बता के आ गए हैं, क्यों? अब वे इस वक्त मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्टर तो आधे पागल होते हैं, वे तो पूरे ही पागल थे हैं, तो ना मानूं क्या उपद्रव करेंगे हैं।
इसलिए सारा संघ संकट में है। मेरे मन को अजित भाई ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि अकंपनाचारी उन्हें ये आदेश दे के जाओ वहीं खड़े रहना, वे आएंगे इसी रास्ते से तो तुम्हें ही निपटना, सारा अंग संकट में क्यों पड़े, गलती तुमने की है तुम भोगना। ये मैं अकंपनाचारी के मुख में नहीं डाल सकता था। क्या कहानी तो हमने सुनी थी बचपन में, तो ऐसी ही सुनी थी। तो मैंने क्या किया कि वे बहुत गंभीर हो गए, तो सुत सागर ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, मैं जहाँ वाद विवाद हुआ था वहीं जाऊँगा, वहीं खड़ा रहूँगा, और जो कुछ होगा मेरे ही माथे पे होगी, यहीं से आएंगे ना तो मैं वहाँ मिल जाऊँगा, तो जो कुछ करना होगा मेरे ही करेंगे, संघ को कोई खतरा नहीं है, बस मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं आज्ञा नहीं दे सकता, सुरत सागर ऐसे ही पैदा थोड़ी होते हैं, सुरत सागर उनका नाम थोड़ी था, उनको डिग्री मिली थी, उपाधि मिली थी, क्योंकि वे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा स्वाध्याय था उनका संघ में, तो सब लोग उन्हें सुरत सागर कहने लग गए थे, आचार्य महाराज भी क्या ये सुरत के सागर हैं। सुरत सागर ऐसे ही थोड़ी पैदा हो जाते हैं, मैं तुम्हें वहाँ जाकर मरने के लिए आज्ञा नहीं दे सकता, क्यों कि महाराज आज्ञा की बात नहीं है, मैं तो अनुमति मांग रहा हूं। आज्ञा और अनुमति का अंतर समझते हो, ये आपका डिसीजन हो और फिर आप मुझे सुनाएं, उसका नाम है आज्ञा, और मेरा डिसीजन हो और मैं आपसे निवेदन करूं कि मुझे ऐसा करने की अनुमति दो, इसका नाम है अनुमति, समझ गए ना। मैं आपसे आज्ञा नहीं मांग रहा, मैं आपकी अनुमति मांग रहा हूं, और यदि आप नहीं देंगे तो मैं आज आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा, मैं आपकी अनुमति के बिना भी चला जाऊंगा, समझ में आए ना। कि नहीं सुरत सागर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मौका नहीं आने दूंगा मैं, क्यों हैं? कि तुम्हें विद्रोह करना पड़े हैं? जाओ तुम्हारा कल्याण हो, और उन्होंने आशीर्वाद दे के भेज दिया। माने अकंपनाचारी को के मुख में मैंने ये शब्द अपनी तरफ से चुनके डाले, वो जो ऐसे लिखे थे कि जाओ वो मैं भेज दो, तुम्हें ही मरना तुम्हें ही जीना, तुम्हारी सजा की तुम भोगो, ऐसा मैंने क्या, और जो हुआ बाद की बात मैं नहीं है। सवाल ये है कि उस वक्त आचार्य महाराज का कैसा व्यवहार रहा और सुरत सागर का कैसा व्यवहार रहा, कम से कम यहाँ गुरु शिष्य की जो वार्ता हो, दोनों की इज्जत बच गई, दोनों ही महान लग रहे हैं, क्यों अब उसमें दोनों ही हल्के लगते थे, तुम्हें जाना पड़ेगा वहीं खड़े रहना पड़ेगा, कहीं मैं नहीं जाऊँगा मैं तो सबके बीच में छिपके बैठूंगा 500-700 मुनिराजों के बीच में, हैं क्यों ये कहते थे दोनों की जाति के नहीं जाति, तो ये सोच कर, और टोडरमल जी ने हमको ये अधिकार दिया है कि यदि हम लिखने बैठे, हम साहित्यकार हैं ना, हम यदि ये कहानी लिखने बैठ गए हैं तो उसके जो चरित्र हैं उसको गढ़ने वाले हम हैं, उनके उनके मुख में जो शब्दावली डालेंगे वो हमने डाली है, उसके जिम्मेवार हम हैं। हमको ये बर्दाश्त नहीं है कि अकंपनाचारी ऐसा कहें और सुरत सागर ऐसा कहें, कहेंगे ही नहीं हमारे दिमाग में, उनने ऐसा वो कह ही नहीं सकते हैं, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं आ जाना इतना ही पर्याप्त है सुरत सागर के लिए, वो सब बात के लिए क्या, ये सब काम इशारे में होना चाहिए, समझ रहे ना, ये सब इशारे में काम, बात हुई बोई,
डिसीजन वो ही रहा अजित जी, डिसीजन नहीं पलटा। डिसीजन पलटे तो हम अपराधी हैं, क्यों? कहानी का डिसीजन तो यही था ना कि सुत सागर जाके वहाँ खड़े रहे, और आकंपनाचार्य की मंजूरी से था, आकंपनाचार्य के लिए विद्रोह करके नहीं था, ख्याल में आई ना? तो आकंपनाचार्य की भी रही कि उनकी आज्ञा के बिना वहाँ कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने उनकी निर्दयता से कोई आदेश उन्होंने अपने जीवन में नहीं दिया, समझ रहे ना आपकी मैं? तो ये हमको विवेक से, मुनि हमारे पंच परमेश्वरी हैं, हमारे देव सास गुरु में हैं, जिनकी हम पूजन रोजाना करते हैं ना, उसमें गुरु भी आते हैं, सच्चे भीतलागी संत। अब मैं भावलिंगी नहीं कहूँगा, क्योंकि द्रव्यलिंगी और भावलिंगी तो दोनों ही होते हैं, मैं अकेले भावलिंगी कह के उनको अधूरा थोड़ी बताऊँ, है ना? द्रव्यलिंग भी उनके है और भावलिंग भी है। तो सच्चे जो मुनि हैं वो बस अभी कल के सिद्ध हैं बस। तुम जो सच्चे विद्यार्थी हो ना, वैसे अभी हम कहते शांति जी से गिनो भैया कितने हो गए अपने, तो कहते 836 कितने, ठीक है आंकड़ा जो भी होगा थोड़ा हुआ कम ज़्यादा, इतने हो गए, और 200 अपने पास होने की तैयारी में, अब आकर के यहाँ भर्ती हो गए हैं, क्यों? तो अब तो यहाँ से निकलेंगे तो विद्वान बने बिना तो निकल सकते नहीं, क्यों? एक भी आदमी यहाँ आ गया, एक दफे टूटर मल स्मारक भवन की भूमि में आ गया, यहाँ प्रवेश कर लिया, तो अब यहाँ से विद्वान बन के ही निकलेंगे। पंडित चंद्रदास जी यहाँ एक थे, बहुत बड़े विद्वान, नाम सुना होगा, बहुत बड़े विद्वान थे। जब यहाँ से वो पढ़ने गए थे बनारस, तो वो लंगड़े टायर थे, बहुत कमज़ोर थे, लंगड़े थे। शांति जी आपको मालूम है, जब इस बनारस पढ़ने गए तो जिस दिन सियादबाद विद्यालय में उनने प्रवेश लिया, उस दिन के बाद वो न्याय तीर्थ होने के बाद ही नीचे उतरे, वो बिल्डिंग में से नीचे नहीं आए, बाजार नहीं गए कहीं, यहाँ अपने घर आना, गाँव वहाँ जयपुर आना तो बहुत दूर की बात, ये उनका इतिहास है। क्योंकि वो ऐसे अपने आप चले ही फिर नहीं सकते थे, कभी ऐसे जाके बाजार में घूमते फिरते, कोई लड़के साथ में सहयोग में ही जाते थे, तो विद्यालय में उनने प्रवेश लिया। और वो हम जब पढ़ते थे तो हमारे सामने कोई दक्षिण भारत के लड़के वहाँ 4-5 थे, एक भरत चक्रवर्ती, एक धर्म चक्रवर्ती, एक श्रेयांश कुमार, एक ऐसे नाम थे चंद्रकांत, ऐसे नाम थे दक्षिण भारत। तो हम उनसे पूछते थे, क्योंकि उस वक्त बहुत दूर था ना, मतलब था 3 दिन लगते थे, किसी ट्रेन में बैठे तो 3 दिन लगते थे, और जितना पैसा लगते थे उतने लोगों के पास पैसा नहीं होते थे कि टिकट ले लें। सच्ची स्थिति हम सब की ऐसी हालत थी, एक की नहीं। तो वो हमसे उनसे कहते थे कि आप कब गए थे, हम तो हर साल में 3 दफ़े जाते थे, तो वो कहते थे कि हम तो कोई तीर्थ करके ही जाते हैं, ऐसा बोलते थे, हम आते हैं तो हम तीर्थ करके ही जाते हैं। हमें कौन सा तीर्थ करते हैं, समय शिखर करते हैं, पास का सोना गिर दिया तो सोना गिर करके चले जाए। हमने कही भी उनसे कि कौन सा तीर्थ, तो उन्होंने कहा न्याय तीर्थ, काव्य तीर्थ, व्याकरण तीर्थ, कोई तीर्थ करके जाते, समझ में आया ना? मन हम फाइनल पढ़ाई करने के बाद ही जाते थे, यहाँ तो दक्षिण भारत के होंगे कुछ लोग, समझे ना? ऐसे थे उस वक्त के लोग कि वो एक दफे आते थे तो 5 साल में 6 साल में मतलब पूरी पढ़ाई करने के बाद ही अपने देश जाते थे। तुम वहीं के हो, मद्रास के हो, मैं तो अंदाज से बोल रहा हूँ, वैसे कुछ बोल रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ किसी को, क्या है ना? तो वास्तव में यानी इतना दृढ़ संकल्प चाहिए इस बात के लिए, ख्याल में है ना? तो इसलिए महाभाग्य से अभी ऐसा जमाना आ गया है कि तुमको ये सब चीज़ उपलब्ध है, और वहाँ घंटों में पहुँच सकते हैं, आपसे 2 घंटे चेन्नई में पहुँच सकते हैं, तो 3 दिन लगते थे आज 2 घंटे में चेन्नई पहुँच सकते हैं, है ना? ऐसा आ गया समझ में, कैसा पैसा लगता है।
अरे पैसा मैसा तो ठीक है ना, लेकिन पहुंच सकते हैं ना, साधन है, इमरजेंसी में जाना हो तो जा तो सकते हैं ना। क्या पैसा क्या लगेंगे, कितना लगेंगे, उसकी क्या बात करना है। पैसा लगते हैं तो मिलते भी तो हैं बेटा, हैं। अब लाख लाख रुपया महीना कमाओगे, समझते तुम लोग, हम तो कुछ नहीं है, हम तो 100-200 रुपये महीना की काम करने वाले लोग हैं। शांति जी, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था ना तो 60 रुपये महीने पर किया था, क्या आप समझ नहीं ना, वो जमाना ही ऐसा था। बड़े से बड़े विद्वान को इतने मिलते थे, 60-70-80, 100 मिल जाए तो समझ में बहुत बड़ी बात है, हैं? क्यों वे कहते कि हम भी प्लान है कि टिकट बहुत खर्चा होता है, तुम्हें क्या खर्चा मिलता की बात है, हैं? तुम्हें किसको जाना है, मैं कल भेज सकता हूँ, बोलो क्या क्या तकलीफ है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, उस दूरी को मत देखो। आज इतनी सब सुविधाएं आपको प्राप्त हो गई हैं सहज भाव से, तो उसका पूरा लाभ लेके जिनवाणी का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, श्रद्धा के साथ मुनिराजों को सिद्ध जैसा मानकर मुनिराजों का स्वरूप समझना, आलोचना के लिए नहीं, किसी को देखना ही नहीं, किसी व्यक्ति की तरफ नहीं देखना, मुनि का वास्तविक स्वरूप क्या है उसे हम गहराई से समझें और अपने आत्म कल्याण के लिए समझें, क्योंकि सम्यक दृष्टि बनने के लिए देवसाथ गुरु की, सच्चे देवसाथ गुरु की श्रद्धा आवश्यक है। सभी लोग सही भावना से स्वाध्याय करके इस बात को समझेंगे, इस मंगल भावना इसे बनाएंगे।